वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज पीरियडिकल असेसमेंट टेस्ट स्टैंडर्ड 8 हिंदी, टाइम हावर 1 है और सितंबर 2021, मार्क्स 25 है। तो चलिए इसके पहले आप पेपर देख लीजिए। तो अभी इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा देखेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें फर्स्ट है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? द आंसर इज, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। नंबर टू, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? द आंसर इज, हामिद ने चिमटा खरीदा क्योंकि रोटी बनाते समय उसकी दादी के हाथ जल न जाए, इसके लिए चिमटा खरीदा। नंबर थ्री, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? द आंसर इज, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि आज हमारे देश में बीमारियाँ बढ़ रही है और योग्य डॉक्टर की कमी है। नंबर फोर, छात्रों के बड़े लक्ष्य की सिद्धि के लिए डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? द आंसर इज, सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी खूब मेहनत करके और साहसपूर्वक आगे बढ़ाने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। नंबर फाइव, देश के नाव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? द आंसर इज, हम अपने मोहल्ले में अस्पताल, विद्यालय, वाचनालय खोलेंगे। प्रश्न क्रमांक दो है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको परिच्छेद पूरा पढ़ के उसके आंसर्स लिखने हैं। तो इसमें मैं पढ़ रही हूँ, मानव एक सामाजिक प्राणी है, परस्पर सहयोग की भावना ही जीवन का आधार है, पारस्परिक सहयोग के बिना समाज का कार्य चल ही नहीं सकता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से दूसरों के हित के लिए भी प्रयास करने को तत्पर रहे। प्रकृति का कण कण परोपकार में लगा हुआ है, सूर्य खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वृक्ष स्वयं धूप सहकर पथिक को छाया प्रदान करते हैं, पेड़ दूसरे के लिए प्रदान करते हैं, स्वयं नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ में लिप्त है वह पशु के समान है। परोपकार के कारण ही ईसा मसीह सूली चढ़े, परोपकार के लिए ही सुकरात ने जहर पिया तथा गांधी जी ने गोलियां खाई। मदर टेरेसा ने परोपकार के लिए ही अपना जीवन दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। भारतीय संस्कृति में परोपकार को मानव कर्तव्य बताया गया है। हमारी संस्कृति में सबके सुख तथा कल्याण की कामना की जाती है तथा पूरी पृथ्वी को ही एक कुटुंब के रूप में माना जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो स्वयं के लिए ही न जिए अपितु अपने जीवन काल में परोपकार भी करे। जिस देश में परोपकारी मनुष्य होते हैं वे सदैव उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो इसके प्रश्न हम देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक सहयोग के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? द आंसर इज, पारस्परिक सहयोग के लिए मनुष्य को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से दूसरों के हित के लिए भी प्रयास करने को तत्पर रहे। प्रश्न क्रमांक दो, प्रकृति के कौन से तत्व परोपकार करते हैं? द आंसर इज, प्रकृति के सूर्य, वृक्ष और नदी तत्व परोपकार करते हैं। प्रश्न क्रमांक तीन, इस परिच्छेद में कौन से महापुरुषों के परोपकार की बात की गई है? इसका जवाब है, इस परिच्छेद में गांधी जी, मदर टेरेसा, ईसा मसीह जैसे महापुरुषों के परोपकार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा मनुष्य बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है,
सच्चा मनुष्य बनने के लिए स्वयं के लिए न जिए और अपने जीवन काल में परोपकार भी करे। इस प्रश्न क्रमांक 5 है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका जवाब है परमार्थ का महत्व। प्रश्न क्रमांक 3 है, रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो इसमें फर्स्ट है, छात्र पाठशाला में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका आंसर है छात्रा पाठशाला में पढ़ने जा रही है। दूसरा, मालिन पौधों को पानी पिला रही है। तो इसका जवाब है माली पौधों को पानी पिला रहा है। 3, ब्रिटेन के सम्राट कौन थे, ब्रिटेन की महारानी कौन थी। 4, सेठानी खाना पकाती है। जवाब है सेठ खाना पकाता है। 5, हाथी कदावर जानवर है। तो इसका जवाब है हथनी कदावर जानवर है। प्रश्न क्रमांक 4, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। इसमें फर्स्ट है, मैंने कविता लिखी। तो इसका जवाब है हमने कविताएं लिखी। दूसरा है, यह मेरी किताब है। तो इसका जवाब है ये हमारी किताबें हैं। 3, हम हर रोज स्कूल जाते हैं। इसका जवाब है मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। 4 है, माली बगीचा का ध्यान रखता है। तो इसका जवाब है माली बगीचे का ध्यान रखता है। 5, हाथी जंगल में देखने को मिलते हैं। जवाब है हाथी जंगलों में देखने को मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। तो इसमें यहाँ पे कहानी लिखी गई है तो उसको पूर्ण करना है हमको। तो एक गांव था, गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी हमेशा नई चीज़ें लाकर बेचता था ताकि उसका व्यापार बढ़े और उसे ज़्यादा मुनाफा हो। एक बार व्यापारी एक ऐसी चीज़ बेचने के लिए, तो यहाँ इसके बाद आपको लिखना है आंसर, जिसे देखकर गांव वाले अति प्रभावित हो गए। व्यापारी मोबाइल फ़ोन लाया था और उस समय गांव में ज़्यादातर फ़ोन नहीं थे, तो कई गांव वाले यह फ़ोन देखकर हैरान रह गए। व्यापारी ने बड़ी बारीकी से मोबाइल के बारे में गांव वालों को समझाया और सभी गांव वालों को मोबाइल पसंद आया। व्यापारी को बहुत मुनाफा हुआ और गांव वालों को एक ऐसी चीज़ मिल गई जिसे वो दूर दूर रहते हुए अपने संबंधी और बेटों से बात कर सके। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में ये हिंदी का असेसमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।